Hello guys, how are you? My name is AUS. First of all, I'd like to thank you guys for watching this video. I hope you guys are doing really well. India and Australia ki series chal rahi hai, one day matches ki, aur maine ek bhi video nahi dala. Teen match ho chuke hain, series aaj khatam ho gayi hai, maine ek bhi video nahi dala. In protest. Kyunki pehla match jis tarah India hara tha, main disappoint ho gaya tha aur main soch raha tha ki video banau, lekin expectations thi kyunki do giants एक साथ मुकाबला कर रहे थे काफ़ी अर्से के बाद. तो इंडिया का भी टेस्ट था ये, क्योंकि इंडिया बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ इयर्स. उनकी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब ज़बरदस्त है और टॉप नॉच जा रहा था सारा कुछ. ऑस्ट्रेलिया अदर साइड बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा, उसके बाद बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग है. तो ये टेस्ट था इंडिया का और पहले मैच में वो फेल हो गए, बुरी तरीके से फेल हुए. उसके बहुत सारी रीजंस हैं, वो सारे एक्सपर्ट्स आपको बता चुके हैं कि जो बैटिंग लाइनअप थी ऊपर नीचे की गई, प्लस जो टॉस था उसने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया इंडिया की हार में. तो बहुत कुछ सी बातें, मैं डिसअपॉइंट हो गया. मैंने बोला यार नहीं, अब सीरीज़ ख़त्म होगी ना तभी बात करेंगे. लेकिन चमत्कार हो गया और इंडिया का मैच हारना मेरे ख्याल में ज़रूरी था बाउंस बैक करने के लिए. और एक होता है ना कि बंदा कंटिन्यूसली विन हो रहा होता है तो वो थोड़ा ले बैक हो जाता है, थोड़ा पीछे हो जाता है कि भाई यार अपन तो नंबर वन हो गया है. तो ये जगाने के लिए बहुत ज़रूरी था और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को कड़ाके के अंदाज में जगाया. शॉक था, सरप्राइजिंग था सबके लिए कि कम से कम एक विकेट तो लेते. बुमराह की वापसी थी काफ़ी अर्से के बाद. हाँ वो अनफिट हैं लेकिन उनको अपनी पूरी फिटनेस में आने में टाइम लगेगा, मगर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि तगड़ा मुकाबला होगा. एनीवेज गॉन बाय गॉन नाउ. इंडिया ने बाउंस बैक किया, सेकेंड मैच बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीता और आज तीसरा मैच उससे अच्छे तरीके से जीता. वाह कमाल मैच था आज. और तो टॉस थी वो इम्पोर्टेंट बात थी और विराट कोहली को जो पता था कि हमने चेज करना है तो उसके जो चेहरे पे एक स्माइल थी. मैंने बोला लो भाई मैच तो अपने हाथ में ही है, ये अभी कहीं नहीं जाने वाला. 289 का स्कोर किया और स्मिथ ने 131 स्कोर दिया, उनकी नवी सेंचुरी है. और लबुशान ने 54 का स्कोर किया और कैरिन ने 34 का स्कोर किया. अच्छा लबुशान का जो नाम प्रोनाउंस करना ना बहुत मुश्किल होता है. लबुशान का जो असल नाम प्रोनाउंस किया जाता है ना, जो उसने खुद किया हुआ है वो लबुशाखी है. ओ बड़ा मुश्किल है. तो लबुशान आई थिंक इज़ वेरी इजी प्रोनाउंस. बाकी अब आप क्या बोल सकते हैं यार, थोड़ा मुश्किल नाम है इसको प्रोनाउंस करना. एनीवे तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 289 का स्कोर दिया और फिर इंडिया ने बैटिंग की. सब यही बोल रहे थे जब सीरीज स्टार्ट हुई, पहला मैच हुआ, कि विराट कोहली को वन डाउन पे खेलना चाहिए. लेकिन जब बैटिंग लाइनअप के साथ एक्सपेरिमेंट किया, विराट कोहली को पाँचवें नंबर पे डाल दिया. और विराट कोहली का भी प्रॉब्लम यह था कि कभी वो सेक्रीफाई कर रहा है अपने प्लेयर्स के लिए, डेप्यूटीज़ के लिए, कभी पाँचवें नंबर पे, कभी चौथे नंबर पे, कभी छठे पे. तो इसका मतलब ये था कि वो अपने जो एक फॉर्म है उसकी और जिस नंबर पर वो अच्छा खेलता है उसके साथ एक किस्म का खिलवाड़ हो रहा था और परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था विराट कोहली. आज का मैच और प्रीवियस मैच वन डाउन आया जो उसका परफेक्ट नंबर है. क्या ज़बरदस्त बैटिंग करके दी है उसने और जिस तरह के स्ट्रोक्स खेले, क्लीन स्ट्रोक्स, आउटस्टैंडिंग, बहुत ज़बरदस्त था. तो इंडिया ने मैच बासानी जीत लिया. रोहित शर्मा ने 9000 रन्स बनाए हैं, फास्टेस्ट 9000 रन बनाने वाले हो गए. 119 का स्कोर दिया है, तीसरे नंबर पर आ गए हैं. उससे पहले विराट कोहली नंबर दो पर हैं और एबी डिविलियर्स नंबर वन पर हैं 9000 रन बनाने वालों में. केएल राहुल शेखर धवन की जगह आए. शेखर धवन मेरे ख्याल में ज़ख्मी होने आया था, पहले उनको रिप पे लगा, फिर उसके बाद शोल्डर इंजरी हुई, इसको भेज दिया गया एक्सरे वगैरह करवाने के लिए. तो केएल राहुल ने स्टार्ट किया लेकिन वो खेल नहीं पाए. लेकिन पिछले मैच में वो ज़बरदस्त पाँचवें नंबर पर खेले, तो आई थिंक वो परफेक्ट नंबर है केएल राहुल का, तो उसी नंबर पर खिलाना चाहिए. विराट कोहली का नंबर तीन उसी पर खिलाना चाहिए. वन डाउन इज़ द बेस्ट बैट्समैन, और जो हंड्रेड्स बनाता है या ओवर 50 रन जो भी बैट्समैन करता है और क्लीन शॉट्स खेलता है उसको वन डाउन या टू डाउन ही आना चाहिए, इससे पीछे नहीं आना चाहिए. सरफराज अहमद पाकिस्तान का जो प्लेयर कितना अच्छा खेलता था, जब उसने अपने पोजीशन से खिलवाड़ करना शुरू की और दूसरों को चांस देने की कोशिश की और अपनी ढाक बिठाने के लिए,
तो देखो आप सरफराज अहमद के साथ क्या हुआ, वो वन डाउन में बहुत ज़बरदस्त खेलता था या टू डाउन पे, बाद में उसको रियलाइज़ हुआ। और शोएब अख्तर ने भी ये बात की थी आई थिंक रिसेंटली वीडियो में। तो हर प्लेयर को पता होना चाहिए उसकी असल जगह कहाँ है, किस पोजीशन पर खेल सकता है, उसको खेलना चाहिए। मोहम्मद शमी बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है, आज 4 विकेट लिए उन्होंने, क्या ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। बुमराह वापस आए हैं, यॉर्कर पे यॉर्कर मार रहे हैं, बहुत इकोनॉमिकल ज़बरदस्त बॉलिंग की, लेकिन विकेट्स नहीं ले पा रहे हैं। इंजरी के बाद उनको अपने रिदम में आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, होपफुली कि जो नेक्स्ट मैचेस होंगे उसमें वो रिदम में वापस आएंगे। लेकिन बुमराह बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त कर रहा है और यॉर्कर तो डेथ, यॉर्कर जो बॉलिंग करते हैं वो आउटस्टैंडिंग यार, ज़बरदस्त मज़ा आता है। एक इन्जॉयबल मोमेंट होता है जब बुमराह बॉलिंग कर रहा होता है। इस वक्त विराट कोहली की एक पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, वो कैचिंग पोजीशन जो थी किसी ने सही कैप्चर किया है स्मिथ का कैच लेते हुए और चीते का निशान बना तो शेडो जो है बिल्कुल कन्वर्ट हो रहा है इनटू चीता। तो सब बोल रहे हैं भाई विराट कोहली हमारा चीता है, भाई भूलने की क्या ज़रूरत है, दुनिया मानती है इज अ चीता, मैं तो बोलता हूँ इज अ लायन। वेल चीता इज़ फास्ट, यस विराट कोहली वेरी फास्ट है और शार्प है, इंटेलिजेंट है, तो रिजम्बलेंस अच्छी है और एक जो एक शार्प माइंड है जिसने भी ये पिक क्लिक की है ज़बरदस्त तरीके से की है, आई थिंक बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। तो वेल डन इंडिया, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया आज इंडिया ने और बाउंस बैक किया जो करना बहुत ज़रूरी था और हारना भी बहुत ज़रूरी था, अगर नहीं हारते तो मेरे ख्याल में मैचेस में इतना मज़ा नहीं आता। तो दो जायंट्स की सीरीज चल रही है और मज़ा आता है देखने में, जब दो बड़े टीमें एक साथ खेलती हैं तो तब पता लगता है कि उनकी डेप्थ कितनी है, अदरवाइज तो चलता रहता है, थकाई तो होती रहती है छोटी टीमों की या वीक टीमों की तो मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशन ऑल इंडियंस जो मेरे फैंस हैं या व्यूअर्स हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारक और सीरीज जीतने पर, अच्छे तरीके से जीतने पर, रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स कायम होने पर, और यार लुकिंग फॉरवर्ड टू रेस्ट ऑफ द सीरीज, देखते हैं वो हमारे लिए क्या सरप्राइजेज और शॉकिंग इवेंट्स लेकर आती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड फैमिली के साथ और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, खुश रहें, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय। इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ माई लेटेस्ट वीडियोज़।